नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंगिरश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन सर्कमस्टांसेस और कंडीशन के बारे में जिसके अंदर एक महिला का संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं होगा। अब दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर, हाल फिलहाल में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और साल 2005 में जो संशोधन लागू किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, उसके बाद तो महिला को एक कोपासनर का दर्जा दे दिया गया, क्या इसके बावजूद भी यहां पर महिलाओं को संपत्ति से वंचित रखा जा सकता है? जी हां दोस्तों, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, चाहे वहां पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात की जा रही हो यानी कि स्वयं अर्जित संपत्ति की, या पैतृक संपत्ति की बात करी जा रही हो यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, उस स्थिति में महिलाओं को संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं दिया जाता आज भी। अब वो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस है जहां पर महिलाओं को संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं मिलेगा, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, मैं ये केवल मौखिक रूप से आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि मैं आप लोगों को यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर भी यहां पर बात करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करेंगे महिलाओं के संपत्ति के अंदर अधिकार को लेकर। देखिएगा, जब हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू किया गया यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उस समय महिलाओं को कोपासनर का दर्जा नहीं दिया गया था, जिसके तहत एक बेटी को बेटे के समान अधिकार नहीं दिया जाता था। पर कुछ सालों बाद साल 2005 के अंदर इस कानून के अंदर एक संशोधन किया गया, जिसके संशोधन लागू होने के बाद बेटी को भी बेटे के अंदर समान अधिकार दिए जाने लगा। किंतु जिस बेटी के पिता की मृत्यु साल 2005 से पहले हुई है, ऐसी कंडीशन में उस बेटी को यहां पर संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं दिया जाता था। इसके बाद यहां पर दोस्तों, इस स्थिति को भी गंभीरता से देखते हुए साल 2020 में 11 अगस्त को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट साबित हुई थी, जिसके तहत बेटी को एक कोपासनर का पूर्णतः दर्जा दिया गया, यानी कि एक बेटी को भी बेटे के समान पूरा पूरा अधिकार दिया जाने लगा। यह एक बेसिक हिस्ट्री थी इस कानून से जुड़ी हुई, जो आज की वीडियो के अंदर आपको जाननी बेहद जरूरी थी। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ चीज जाननी और जरूरी है, जैसे कि मिताक्षरा एंड दयाभागा, ये दो एक ऐसे स्कूल होते हैं जिसके तहत हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यहां पर आगे चलता है। जैसे कि अगर हम दयाभागा स्कूल की बात करें तो बंगाल, असम, ये एक ऐसे स्टेट है जो यहां पर इस स्कूल के लोग को फॉलो करते हैं। जबकि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के बारे में बात करूं तो बाकी स्टेट जो है वो इस स्कूल के लोग के हिसाब से चलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे भारत के ज्यादातर राज्य यहां पर उसको कानून को फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम यहां पर आज आप लोगों को कुछ ऐसी स्थितियां बताने वाले हैं जिसके तहत एक बेटी का यहां पर कानून के लागू होने के बावजूद भी संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं होगा, वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे। अब वो आखिरकार ऐसी कौन कौन सी स्थिति है, इस चीज के ऊपर हम अब आगे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर हम वीडियो में आप लोगों के साथ जब बातचीत शुरू करते हैं तो आप लोगों को क्लियर कर दें कि प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है, यानी कि संपत्ति दो प्रकार की होती है, पैतृक और स्वयंअर्जित। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयंअर्जित संपत्ति के विषय में, उसके बाद हम यहां पर पैतृक यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्वअर्जित संपत्ति, ये एक ऐसा विषय है जिसमें ज्यादातर लोग, आप लोग जानते ही होंगे कि इसके अंदर उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिस व्यक्ति ने यह संपत्ति खरीदी हुई है। यानी कि दोस्तों, अगर यहां पर कोई व्यक्ति अपनी कमाई से किसी संपत्ति को खरीदता है तो उसकी वह स्वयं अर्जित संपत्ति कहलाई जाएगी, और यह उसी व्यक्ति का अधिकार होगा कि वह अपनी स्वेच्छा अनुसार यानी कि अपनी मर्जी से अपनी उस संपत्ति को किसी को सेल कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, किसी को विल वसीयत कर सकता है। ऐसी कंडीशन में एक बेटी खड़ी होकर यह ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती कि यहां पर मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं दिया गया। हां, अगर यहां पर जिसकी वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जब उसका देहांत हो जाता है तो एक बेटे के समान वहां पर बेटी का बराबर अधिकार होगा, यह बात मैं नहीं बोलता, बट एक बेटी वहां पर
अगर वही व्यक्ति अपनी देहांत के उपरांत एक विल वसीयत बना जाए या देहांत से पहले उस प्रॉपर्टी को सेल या गिफ्ट कर दे, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती कि यहाँ पर कानून ने बेटी को बराबर का दर्जा दिया है और अब ऐसी स्थिति में उस बेटी को इस संपत्ति के अंदर बराबर का हिस्सा चाहिए। बिकॉज दोस्तों वो एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें उसके खरीदार की ही मर्जी है कि वो किस तरीके से उसे एलिनेट करना चाहता है, यानी कि ट्रांसफर करना चाहता है। ये कंसेप्ट आता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसमें कोई ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब बात आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जॉइंट प्रॉपर्टी की। इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, जो अगर आप लोगों ने नहीं समझी तो फिर आपको बाद में समझने में बहुत दिक्कतें आएंगी। अब दोस्तों यहां पर अगर जॉइंट प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आए तो यहां पर 5 ऐसे कारण बन जाते हैं जिन सिचुएशन में यहां पर एक फादर या फिर कर्ता ऑफ द फैमिली यानी कि हेड ऑफ द फैमिली वो उन प्रॉपर्टी को, चाहे वो एंसेस्ट्रल है या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसको ट्रांसफर कर सकता है और बेटी वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगी। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है वो हम आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट आता है वो होता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अब ये कौन सी सिचुएशन होती है, इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को यहां पर कवर करके देने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, अब आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा गिफ्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन में क्या होता है। इसके अंदर दो चीज नेसेसरी होती है। सबसे पहला क्या है, इट शुड बी गिफ्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी कि प्यार और अफेक्शन के चलते वो गिफ्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि यहां पर फादर शुड स्टैंड इन सम रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन टू द डोनी, यानी कि जिसको भी वो प्रॉपर्टी वहां पर गिफ्ट में दी गई है वहां पर उसके फादर का कोई ना कोई अफेक्शन का रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आप देखिए, जो गिफ्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, गिफ्ट शुड बी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मूवेबल जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये नहीं कि पूरी की पूरी फैमिली प्रॉपर्टी उठाकर वहां पर गिफ्ट कर दी, वहां पर एक स्मॉल पोर्शन गिफ्ट किया जाना चाहिए उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का। दोस्तों अब ये कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो, मैं यहां पर आप लोगों के साथ दो इंपॉर्टेंट जजमेंट भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा दोस्तों, पहली जजमेंट है बाशो वर्सेस मानकोरेबे। यहां पर डिसाइड क्या किया गया था, देखिएगा, अ गिफ्ट मेड टू डॉटर ऑफ ₹20,000 held by privacy council to be valid as total value of estate was 10 to 15 lakh, यानी कि जो पूरी joint family property थी उसकी value थी 10 से 15 लाख और ऐसी condition में अपनी बेटी को वहां पर ₹20,000 gift दिए थे और उस समय देखा जाए तो उनका अधिकार भी नहीं होता था, ऐसी condition में उसे valid माना गया। अब इसको मैं आप लोगों को आज के concept से समझाऊं। मान लेते हैं दोस्तों आपकी जो joint family property है उसकी value ₹1 crore है, आप उसका एक स्मॉल पोर्शन अगर किसी को गिफ्ट दे देते हैं, उदाहरण के तौर पर 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ऐसी कंडीशन में वहां पर लव और अफेक्शन के चलते ही वो गिफ्ट वैलिड माना जाएगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ है, यहां पर आपको यह भी ध्यान से समझना जरूरी है दोस्तों। देखिएगा, डिस्प्ले पर आप लोगों को केस का टाइटल दिखाई देगा, सुब्रमण्यम वर्सेस रामम्मा। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेट डाउन किया था, डेट सच गिफ्ट यानी कि जो वो गिफ्ट किया जा रहा है लव और अफेक्शन के चलते कैन नॉट बी मेड बाय विल, वो विल के अंदर नहीं होना चाहिए, वो गिफ्ट डीड से हो जाए चलेगा बट विल के अंदर उसको वहां पर नहीं दिया जा सकता। बिकॉज सिंस एज सून एज कोपासनर डाई, यानी कि जब वो कोपासनर की मृत्यु हो जाएगी, ही लूजेज इन इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विच ही कैन नॉट सब्सिक्वेंट एलिमिनेट। अब ऐसी कंडीशन में मान लेते हैं उसने विल वसीयत के माध्यम से लव अफेक्शन के चलते उस प्रॉपर्टी के एक स्मॉल पोर्शन को गिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई वो तो अपना उसके अंदर से कोपासनर का दर्जा खो बैठा और विल भी अफेक्टेड जब ही होगी, तो ऐसी कंडीशन में उस विल को इनवैलिड ठहरा दिया जाएगा दोस्तों। तो अपने जीते जी ही यानी कि गिफ्ट डीड के माध्यम से उस प्रॉपर्टी एस्टेट के स्मॉल पोर्शन को गिफ्ट के माध्यम से दिया जा सकता है लव और अफेक्शन के चलते। दोस्तों ये सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जब आप एक एंसेस्ट्रल या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को यहां पर एलिनेट कर सकते हैं और उसमें बेटी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी कंडीशन वहां पर बनती है जहां पर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर कह सकते हैं सेल कर सकते हैं, बट उसके बावजूद कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा यानी कि आपकी बेटी भी नहीं उठा पाएगी, वो होगी डिस्चार्ज ऑफ हिज पर्सनल डेब्ट, यानी कि जो आपका कर्जा है उसके डिस्चार्ज के लिए उन प्रॉपर्टी को सेल आउट करना। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था ब्रिज नारायण वर्सेस मंगला प्रसाद, जहां के अंदर ये रूल डिसाइड किए गए थे। रूल क्या दोस्तों, देखिएगा डिस्प्ले पर आप देखिए ध्यान से देखिएगा, डेप्ट इज एंटीसीडेंट, यानी कि अगर आप पर्सनल डेप्ट के बहाने से प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहे हैं तो वहां पर वो जो डेप्ट होना चाहिए, कर्ज होना चाहिए, वो एंटीसीडेंट होना चाहिए। एंटीसीडेंट मतलब दोस्तों वो यहां पर आपने अभी यहां पर कर्जा नहीं उठाया हो, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो, यानी कि आपके पिता ने आपके दादा ने उस कर्जे को ले रखा हो।
सेकेंड पॉइंट बनता है डेब्ट शुड बी नॉन अव्यवहारिक, यानी कि वो किसी अनएथिकल और इमोरल पर्पस के लिए ना हो, जैसे कि जुआ खेलकर, कोई संपत्ति पर किसी से आपने कर्जा उठा लिया बेवजह, आपके शौक इतने महंगे थे, इसे अव्यवहारिक ठहराया जाता है। तो बेसिकली इमोरल पर्पस के लिए आप लोग वहां पर उसे पर्सनल डेब्ट का बहाना नहीं दे सकते। हाँ, अगर ऐसा कोई नहीं है, कोई एंटीसीडेंट डेब्ट है, आप उसके चलते भी अपनी उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं और इसमें कोई बेटी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगी। ये पॉइंट दोस्तों केवल इतनी ही बात करता है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, यानी कि पर्सनल डेब्ट में तो आप समझ गए, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पर एक एंसेस्ट्रल या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को आप एलिनेट कर सकते हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, वो होता है लीगल नेसेसिटी के चलते। अब ये लीगल नेसेसिटी क्या होता है, ये मैं आपको डिस्प्ले पर पूरा क्लियर तरीके से समझाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा होगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एक्सपेंस फॉर मेडिकल केयर फॉर द मेंबर, यानी कि अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंटेनेंस के लिए अपने परिवार की दवाई से संबंधित कोई मेडिकल क्रिटिकल सिचुएशन है उससे संबंधित अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एलिनेट कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। सेकंड पॉइंट है पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू और गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज लाइक इनकम टैक्स। अब अगर आप कोई लैंड रिवेन्यू भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स जैसा, तो ऐसी कंडीशन में उसे पे करने के लिए भी आप अपनी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ डेब्ट इनकर्ड फ्रॉम फैमिली नेसेसिटी और फैमिली बिजनेस और डिक्टेरल डेब्ट, यानी कि अगर आपको कोई फैमिली नेसेसिटी के चलते, फैमिली बिजनेस के चलते कोई डेब्ट आप लोगों के ऊपर हो गया, कर्जा हो गया है, ऐसी कंडीशन में उस कर्जे की भरपाई करने के लिए भी आप उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी सेरेमनी, जो हम यहाँ पर बहुत सब देखते हैं, श्राद्ध, उपन्यास, यहाँ पर मान लेते हैं, अब तो आजकल ये कम होता है, पहले क्या होता था, किसी का श्राद्ध होता था पूर्वजों का, तो यहाँ पर ब्राह्मणों को संपत्ति भी दान में दे दी जाती थी। तो ये पॉइंट उस चीज से रिलेटेड है, अगर आप कोई नेसेसरी सेरेमनी है जिसके चलते उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, तो उसके अंदर भी कोई बेटी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगी। मैरिज एक्सपेंसिव ऑफ मेल कोपासनर और डॉटर ऑफ कोपासनर, यानी कि अगर किसी की शादी करनी है और उससे संबंधित खर्चों के लिए भी आप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट ऑफ डेब्ट इनकर्ड ऑफ फैमिली बिजनेस और अदर नेसेसरी पर्पस, ये मैंने आपको ऊपर भी क्लियर करा था। फैमिली बिजनेस क्या, मान लेते हैं आपको अपना कोई बिजनेस एक्सपेंड करना हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई रेनोवेशन हो, वो सब फैमिली बिजनेस के अंदर आती है। अगर ऐसे से रिलेटेड आप कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अगला पॉइंट देखिएगा, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली और अदर मेंबर इन्वॉल्वड इन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, यानी कि दोस्तों अगर आपके किसी फैमिली मेंबर पर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, उनके चलते आपको केस फाइट करना पड़ रहा है, चाहे आपको बाद में कोर्ट फीस पे करनी पड़ी है, कोई एडवोकेट की फीस पे करनी पड़ी है, जिसको फीस पे करने के लिए आपको वहां पर अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेल आउट करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक बेटी वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती दोस्तों। और ये जितने भी सारे पॉइंट है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट में ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट लीगल नेसेसिटी के अंदर कवर किए जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो होता है बेनिफिट ऑफ एस्टेट। अब ये क्या होता है, एस्टेट से आप समझ पा रहे होंगे, प्रॉपर्टी को रिलेट कर रहा है, अब उसकी बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बताने वाला हूं। डिस्प्ले पर आप को दोनों ही ये जजमेंट दिखाई दे जाएगी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो पहली जजमेंट है उसका नाम है हरी सिंह वर्सेज उमराव सिंह। यहां पर जजमेंट में क्या क्लियर किया गया था कि जो जमीन थी वो उपजाऊ नहीं थी, ऐसी कंडीशन में उसको वहां पर सेल आउट कर दिया गया और उसके बाद वहां पर जो जमीन खरीदी गई थी वो यहां पर काफी उपजाऊ जमीन थी, यानी कि बाद में प्रॉफिट हुआ, तो ये बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए अंदर काउंट होगा। जो अगली जजमेंट है दोस्तों उसका नाम है गुलामुड़ी वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, व्हेन अ एलिनेशन वाज मेड टू कैरी आउट रेनोवेशन इन द होटल विच वॉज अ फैमिली बिजनेस, इट वॉज हेल्ड टू बी फॉर द बेनिफिट। यानी कि दोस्तों अगर आपने रेनोवेशन के लिए, जैसे कि एक होटल है जो फैमिली बिजनेस के अंदर है, उसको रेनोवेशन के लिए आपने कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी यहां पर आपने उसके बेनिफिट के लिए किया है, क्योंकि जब उसका बेनिफिट होगा, रेनोवेट होगा, वहां पर और ज्यादा इनकम सोर्स जनरेट हो जाएंगे, और ज्यादा इनकम होगी, तो ये बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के अंदर काउंट होगा। ये दोस्तों फोर पॉइंट हमारा यहां पर आ जाता है। अब दोस्तों यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट बनता है वो होता है पायस पर्पस, यानी कि इंडेंसिबल ड्यूटी। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्लियरली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम है गंगी रेड्डी वर्सेस तमी रेड्डी। यहां पर क्या कहा गया था, अ डेडिकेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द फैमिली
पर्पस ऑफ अ रिलीजियस चैरिटी मे बी अ वैलिडली बाय द कर्ता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल कोपासनर। यानी कि अब देखिए, पायस पर्पस मतलब चैरिटी हो गया, रिलीजियस पर्पस हो गया, इसे हम पायस पर्पस कहते हैं दोस्तों। वहां पर मेंशन था इस जजमेंट में कि यहां पर ये बिना कंसेंट के भी किया जा सकता है ऑल कोपासनर पे, यानी कि उसका हेड ऑफ द फैमिली उसे बिना कोपासनर की कंसेंट लिए भी यहां पर पायस पर्पस के लिए एक स्मॉल पोर्शन को वहां पर चैरिटेबल पर्पस के लिए दान कर सकता है। इफ द प्रॉपर्टी अलॉटेड भी स्मॉल, यानी कि जो प्रॉपर्टी अलॉट की गई है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू टोटल मीन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि जो वो टोटल प्रॉपर्टी है उसके कंपैरिजन में जो प्रॉपर्टी अलॉट की गई है या फिर उसे हम कह सकते हैं दान में दी है किसी चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वहां पर उसे लीगली वैलिड माना जाएगा पायस पर्पस के लिए। ये दोस्तों बेसिकली यहां पर ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पर कोई बेटा हो या बेटी, मैं दोनों ही कंडीशन रखता हूं, वो यहां पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर उनका शेयर वहां पर उन लोगों को नहीं दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड कराया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।